जो इसमें हमने खाया है ना वो माइंड ब्लोइंग है, ऑसम है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, क्या हालचाल। इस वक्त मैं हूँ उदयपुर में। हम कहाँ पर हैं? हम हैं उदयपुर में रॉयल प्रताप पैलेस। तो नाश्ता जो है आ गया है, नाश्ता रेडी है। अब नाश्ता करके यहाँ से चलते हैं, उदयपुर घूमते हैं। बाकी पोहा ऐसा है कि जैसे अभी बोतलें खुल जाएगी यहाँ पे, देखिए। पोहा पता नहीं, नमकीन डाल दी इसने। नमकीन नहीं, नमकीन तो डाल दी, लेकिन चलो देखते हैं। दही और दे दो। आलू के पराठे और ये है दही। चलो फिर करते हैं नाश्ता, उसके बाद बाकी का काम बाद में। तो 10:40 या 45 मतलब 11:15 का टाइम हो गया और काफ़ी धूप हो गई है। अच्छा, मौसम भी बहुत अच्छा लग रहा है। और जिस होटल में हम थे अभी फ़िलहाल, वो होटल उतना अच्छा लगा नहीं। तो नाइट स्टे तो कैसे ना कैसे करके वहाँ पर कर लिया था। कल हमें बहुत ज़्यादा रात हो गई थी, तो इसलिए स्टे तो कहीं ना कहीं करना था। लेकिन आज चेकआउट करके मतलब किसी अच्छे होटल में जाने का सोचा है, तो देखते हैं कौन सा होटल मिलता है। तो बजट में भी होना चाहिए और अच्छा भी होना चाहिए। तो ये है होटल जयसिंहगढ़। तो जयसिंहगढ़ के अंदर ये था डिलेक्स। कौन सा रूम था ये? सुपर डिलेक्स। थैंक यू यार। होटल इज़ नाइस, बट इसका जो रूम का बजट है ना वो है अप्रॉक्स 5,500 समथिंग। तो उन्होंने बोला थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर हो सकता है तो देख लेंगे, बट लेट्स सी, किसी और बजट में हमें थोड़ा सा और कम बजट में मिलता है तो फटाफट से कहीं और चलते हैं, कहीं और सर्च करते हैं प्रॉपर्टी को। तो इस वक्त मैं हूँ होटल कानेर बाग में। तो होटल कानेर बाग एक हेरिटेज बुटीक होटल है जो कि सिटी सेंटर से थोड़ा सा दूर है। यहाँ से जो लेक पिचोला है और फतेह सागर है, ये सब 2-3 किलोमीटर के दायरे में मतलब, और कोई मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत दूर है या बहुत कहीं बिल्कुल भीड़ में है, बहुत अच्छा है।
वो मैं आपको वापस आऊँगा अभी फिर दिखाऊँगा, क्योंकि स्विमिंग करके उसके बाद अब जा रहे हैं हम खाना खाने, भूख बहुत तेज़ लग चुकी है। और फिर आने के बाद जो रूम का जो अंदर का नज़ारा है वो दिखाते हैं आपको कि रूम अंदर से इंटीरियर उसका कैसा है। राजा महाराजा उनकी सारी तस्वीरें यहाँ पे। एक प्लेन बनवा दो। तो ये है ब्रेड पकोड़ा चाट, और ये क्या है? चाट पापड़ी। ये है चाट पापड़ी। कैसा टेस्ट है? बहुत जबरदस्त, मस्ट विजिट भाई। ये जो चाट पापड़ी है वाकई में बहुत बढ़िया है। 20 रुपए से ऊपर कोई रेट नहीं। 20 रुपए? अच्छा हाँ करेक्ट। एक्सपीरियंस है और उदयपुर में मतलब जो चाट है ना यहाँ पे ऑसम है। ब्रेड पकोड़ा है यहाँ पे, और दाल बाटी है, और यहाँ पे मिर्ची का पकोड़ा है। ऑसम है मतलब सब चीज़। क्या जगह का नाम है ये? हाथीपोल। ये हाथीपोल है? हाथीपोल के पास पीपल, ये पीपल का पेड़ है। तो ये है जो शॉप का नाम है, वो है रामेश्वर नाश्ता सेंटर। शॉप भले ही पुरानी है लेकिन जो इसमें हमने खाया है ना वो माइंड ब्लोइंग है, ऑसम है। जो चाट है ना यहाँ पे, मतलब ब्रेड पकोड़ा खाना है आपको तो ब्रेड पकोड़े की चाट, उसमें आपको ये मीठी चटनी डाल के देंगे और साथ में एक कड़ी का कुछ बना के रखा है इन्होंने, वो भी डाल के देते हैं, तो बहुत ही बढ़िया है। उदयपुर में जो एक बहुत फेमस हाथीपोल है ना, तो हाथीपोल के पास ही ये है शॉप, जो कि बहुत बढ़िया। अगर आप चाट के शौकीन हो तो ज़रूर यहाँ पे आके विज़िट करके चाट खाएं।